अरे यूँ करूँ भाई साहब, रवि जी, रवि जी, इन पे चौक भेज दीजिए, चौक कह रही, चौक ले जाएंगे मुझे। हाँ भाई, हाँ तो बच्चों स्वागत है आप सभी का। अपन लास्ट टर्न पर बीमाओं के बारे में बात कर रहे थे और लगभग 47 बीमाएं मैं आपको पढ़ा चुका था। लास्ट लेक्चर में जो बीमाएं आपने पढ़ी वो सभी क्लास 12th की हैं। इलेक्ट्रिक संबंधी जो डायमेंशन थी वो आप देख चुके थे। इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं बेटा। 47 नंबर, 47 हो चुका था, 48 नंबर है मेरे हिसाब से। और देखो क्रम एक आधो ऊपर नीचे हो भी जाता है क्योंकि ऑनलाइन क्लास में अब एग्जैक्ट पता नहीं है, वैसे होता तो मैं किसी को भी देख लेता। 48 नंबर पर अपन आज कुछ कॉन्स्टेंटों के बारे में बात कर लेते हैं, आज लास्ट करते हैं ना, इसको खत्म करके कल अपन बीमाओं के एप्लीकेशन देखेंगे बेटा। 48 नंबर पर हमने लिया है गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक लिया है बेटा, कैपिटल जी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। हाँ चौक दे दो आप, ठीक है। तो गुरुत्वीय नियतांक की बीमा हम निकालते हैं, ध्यान सुनना, दिख रहा है ना वैसे साफ सभी बच्चों को? बिल्कुल सही दिख रहा है ना, थोड़ा हिल रहा है, इसको बंद करते हैं। गुरुत्वीय नियतांक की बात करें बेटा, ध्यान सुनना, एक अपन चैप्टर पढ़ेंगे, 11th क्लास का एक चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। एक वैज्ञानिक थे न्यूटन साहब, जिन्होंने बताया कि बेटा अगर एक द्रव्यमान तो यहां रखा हो M1 विमान नहीं है बेटा, मास, पहले ऑब्जेक्ट का मास, कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है और दूसरा ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है बेटा, इसका नाम है M2 और इनके बीच की दूरी कितनी हो R। डायग्राम समझना ध्यान से, दो द्रव्यमान हैं M1 और M2, बीच की दूरी कितनी है बेटा R। तो न्यूटन साहब ने एक फॉर्मूला दिया जिसमें उन्होंने बताया कि इनके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्व प्लस आकर्षण, हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है, पढ़ेंगे अपन डीपली। तो इसका सूत्र आता है बेटा जी, पहला द्रव्यमान दूसरा द्रव्यमान बटे बीच की दूरी का स्क्वायर। न्यूटन साहब ने यह फॉर्मूला दिया साहब कि दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके द्रव्यमान है बेटा M1 और M2, बीच की दूरी कितनी है R, तो लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र अगर कुछ याद करना है तो यह याद कर। इस बहाने न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम भी समझ में आएगा और जो पढ़ना चाहते हैं वो तो खैर पढ़ ही लेंगे। तो बल का सूत्र याद कर, गुरुत्वाकर्षण बल का बेटा जी, M1 पहला द्रव्यमान, M2 दूसरा द्रव्यमान, R है इनके बीच की दूरी, F बराबर जी M1 M2 बटे R स्क्वायर। ठीक है साहब, अब आपको जी की बीमा निकालनी है, चलिए देखते हैं। मैंने आपको एक प्रतिरोधकता पढ़ाया था, कुछ इंपॉर्टेंट है बेटा प्रतिरोधकता, रो से मैंने रिप्रेजेंट किया था, दो नाम थे इसके, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, और मैंने सूत्र आपको याद करवाया था R बराबर रो L बटा A। बहुत से बच्चों ने याद कर लिया होगा, बाकी भाई फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। फिर मैंने कहा था बेटा रो की बीमा निकालनी है तो रो का फॉर्मूला निकाल, तो यहां से आपने रो का फॉर्मूला वज गुना करके आया था बेटा R A बटा L, और तब जाकर के मैंने रो की बीमा करवाई थी। आर की बीमा नहीं आती, पर आर के लिए ओम का नियम याद है मुझे, वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर, तो आर की वैल्यू आपने जमाई थी बेटा वी बटा आई, ए एल में कोई परिवर्तन नहीं है, वी की भी नहीं आती सीधी तो वी की जगह मैंने डब्ल्यू बटे क्यू जमाया बेटा ए और नीचे आई एल। फिर बात बीमाओं की आई थी भाई, रो की बीमा जमाई जाए तो कार्य की आपने M1 L2 T-2 जमाई, क्षेत्रफल की आपने L2 जमाई, आवेश की आपने A1 T1, धारा की A1, लंबाई की L1। कैलकुलेट करने के बाद जो रो की डायमेंशन आई थी क्या आई थी साहब, M1 L बेटा दो और दो चार, एक नीचे से आएगा L3 बचेगा, T देखना ध्यान से यहां -2 है और एक और आएगा तो T-3 हो जाएगा A-2। कल के लेक्चर में आया था, किसी को याद हो तो प्रतिरोधकता की बीमा। फिर मात्रक भी निकाला था तो मैंने कहा इन सब के मात्रक जमा दो साहब,
तो यूनिट क्या आ गई थी फिर इसकी, प्रतिरोध की तो ओम, क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर, लंबाई की मीटर, मीटर ने मीटर को मार दिया तो यूनिट आई थी ओम इनटू मीटर। कल मैंने आपको इस तरह प्रतिरोधकता पढ़ाई थी, ऑलमोस्ट वैसा ही कॉन्सेप्ट है। इस बहाने प्रतिरोधकता का तो मैंने रिवाइज करवा दिया आर बराबर रोयल बटा ये से। अब आपको क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, ये फॉर्मूला है एफ बराबर जी एम वन एम टू बटे आर स्क्वायर। जल्दी से आप जी की विमा निकालिए, तरीका सेम रखना, पहले जी का सूत्र निकालना, फिर सारी विमाएं जमा देना, विमा आ जाएगा और मात्रक दोनों चीज निकाल। एक मिनट का समय है, ज्यादा नहीं, कर जल्दी से। चल, न्यूटन ने सूत्र दिया था कि दो द्रव्यमान हो m1 m2 r दूरी पर तो लगने वाले बल का सूत्र है F बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो g है इसे कहा गया गुरुत्वीय नियतांक। अब नियतांक भी कई प्रकार के हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा बीमा पढ़ाने के बाद, है ना। पहले अपन बीमा पूरी कर लेते हैं, लंबा टॉपिक है बेटा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं। 48वें सूत्र पर आ गए अपन, चलते चलते है ना, 60 का टारगेट लेके चले थे। देखिए करो जल्दी से, जी का डायमेंशन और जी की यूनिट दोनों निकालिए, कांस्टेंट संख्या है, इसकी वैल्यू आपको मैं बताऊंगा। गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी की बात हो रही है साहब, ठीक है ना, करें भाई। देखो इतना समय लगना चाहिए, हो जाना चाहिए जल्दी से। अब आप लोग देखें क्योंकि समय बहुत लग जाएगा बेटा। सबसे पहले तो आप है ना जी का फॉर्मूला निकालिए आप यहां से, बजगुड़ा कर किया होगा आपने तो बेटा आ गया होगा जी एम वन एम टू बराबर एफ आर स्क्वायर, और यहां से जो जी निकल के आया होगा वो आया होगा एफ आर स्क्वायर बटे एम वन पहला द्रव्यमान एम टू दूसरा द्रव्यमान। जी का सूत्र अब ये मत याद करना, बहुत से विद्वान ये सूत्र रटेंगे, बिल्कुल मत रटना बेटा, ये याद करना ना, इससे कुछ काम भी निकलेगा आगे चल के। अब बात करें हम जी की डायमेंशन की, तो देख ध्यान से, एफ मतलब फोर्स, और फोर्स की तो हमें याद है साहब एम वन एल वन टी माइनस टू, बहुत काम पड़ रहा है ना, देख लो आप, फोर्स m1 l1 t माइनस टू और कार्य m1 l2 t माइनस टू, m1 l2 t माइनस टू ना केवल कार्य की है बेटा, गतिज ऊर्जा याद कर हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा एम जी एच, बलाघूर्ण बल गुना लंबवत दूरी, याद आ रहा है ना सब, तो बल की हो गई m1 l1 t माइनस टू, r लंबाई है बीच की, l1 होगी पर दो लंबाइयां हैं तो l1 और l1 l2 हो जाएगा भाई, आर स्क्वायर का मतलब दो बार आर गुणा आर, एल वन एल वन एल टू हो गया। नीचे ध्यान से देख, गलती यहां हो गई होगी बहुत से बच्चों से, पहला द्रव्यमान इसकी भी विमा एम वन और दूसरा द्रव्यमान द्रव्यमान की विमा तो एम वन ही तो होगी भैया, दो द्रव्यमानों का गुणा है यहां एम टू कह दो आप सीधा। अब देख ध्यान से इसके डायमेंशन क्या आई, देख एम वन से एक एम वन कट गया होगा, ये m1 ऊपर जाएगा तो m बच गया होगा माइनस का वन, l हो गया होगा बेटा थ्री, वन और टू थ्री, और t हो गया माइनस टू। तो जो डायमेंशन आने वाली है g की वो आई है m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, आया कि नहीं आया, वापस देख लो। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है f बराबर g m1 m2 बटे r स्क्वायर, फॉर्मूला ये याद कर गुरुत्व नियतांक की विमा निकालने के लिए। आपने जी का सूत्र निकाल लिया एफ आर स्क्वायर बटे एम वन एम टू, बल एम वन एल वन टी माइनस टू, आर स्क्वायर की एल टू दो लंबाई का गुणा है, दो द्रव्यमान का गुणा है, चाहे तो नीचे सीधा एम टू जमा दे, फिर एम टू ऊपर आएगा तो एम माइनस टू और प्लस के वन पहले से है, एम माइनस वन बचेगा, एल वन और एल टू हो गए एल थ्री टी माइनस टू, यहां तक तो हो गई इसकी डायमेंशन। अब आप इसकी यूनिट भी निकाल सकते हो साहब, यूनिट कैसे निकलेगी देख, जी का सूत्र एफ बल, बल की यूनिट बेटा न्यूटन, दो यूनिट याद होनी चाहिए, बल्कि न्यूटन और डायन, न्यूटन है फिलहाल तो, है ना, आर स्क्वायर दूरी का स्क्वायर बेटा तो मीटर का स्क्वायर, और द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान तो किलोग्राम गुणा किलोग्राम तो किलोग्राम का स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा गुरुत्वीय नियतांक। वैसे इसकी वैल्यू 6.67 10 टू दी पावर माइनस 11, छोड़ अभी कोई दिक्कत नहीं है आज के लिए, तो आगे बढ़ा, क्लियर है भाई। गुरुत्वीय नियतांक सबको समझ में आ गया ना, अभी देख लो, लिखना मत, फिर एक साथ आराम से नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार, अभी तो घर बैठ के आपके पास में पूरा समय है, तो पहले ढंग से बोर्ड पर समझो, समझ करके स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से फिर नोट्स में आप कॉपी कर लो, रफ लेके बैठ जाया करो स्टार्टिंग में। तो गुरुत्वीय नियतांक सबको समझ में आ गया ना, गुरुत्वीय नियतांक का ये एक दूसरा भाई मान लो आप, तो इसको आप 12th में पढ़ोगे, गुरुत्वीय नियतांक तो आप 11th में पढ़ने वाले हो। स्थिर वैद्युत नियतांक, स्थिर वैद्युत नियतांक, अब इसकी कहानी सुनना दे। एक साइंटिस्ट है बेटा कुलाम, आप कुलाम का नियम पढ़ोगे, ये गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने दिया था, और स्थिर वैद्युत नियतांक कुलाम, देखो उन्होंने क्या कहा कि दो आवेश लिए उन्होंने, इन्होंने दो द्रव्यमान लिए तो उन्होंने द्रव्यमान को रिप्लेस कर दिया आवेश से, और आवेश का तो पता है सिंबल क्यू होता है बेटा, दो आवेश थे तो नाम दे दिए Q1 और Q2। जैसे न्यूटन साहब ने दो द्रव्यमान लिए थे, द्रव्यमान का प्रतीक M है तो M1 M2, कुलाम साहब ने दो आवेश लिए Q1 और Q2, बीच की दूरी उन्होंने भी कितनी ली R, तो उन्होंने कहा लगने वाला जो बल है ना, देखो इन्होंने तो कहा आकर्षण है, द्रव्यमानों के बीच में कभी प्रतिकर्षण लगेगा ही नहीं, पर आवेशों के बीच तो बेटा आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, डिपेंड करता है आवेशों की प्रकृति पर। आपने पढ़ा होगा सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण लगता है, विजातीय आवेशों में आकर्षण लगता है, दोनों पॉजिटिव हुए तो प्रतिकर्षण, नेगेटिव हुए तो प्रतिकर्षण, पॉजिटिव नेगेटिव हुए तो आकर्षण, वो बात की बात है, फिर समझना, बोलना मेरा काम था। तो लगने वाले बल का सूत्र, जी का स्थान तो ले लेता है बेटा के, जो कॉन्स्टेंट है गुरुत्वीय, ये जो स्थिरांक है, सॉरी क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत नियतांक, ये के है, और द्रव्यमान का स्थान ले लेगा Q1 पहले का तो दूसरे का Q2, और दूरी आर स्क्वायर, दोनों बिल्कुल सेम से ही तो हैं, इसलिए दोनों को मैं पैरेलल पढ़ा रहा हूं ताकि आपको एक समझ में आ जाए दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। पहले दो सूत्र समझ में आ गए ना बेटा, ये तो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है, और ये क्लास 12th में पढ़ेंगे अपन कुलाम नियम के नाम से, कि दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। फिलहाल समझ में नहीं आएगा आपको, कोई टेंशन नहीं है, क्लियर। तो एक तो आपको F बराबर gm1 m2 बटे r स्क्वायर था, आपने g की विमान निकाली, वैल्यू निकाली। सेकंड क्वेश्चन जल्दी करके दिखा, k की विमान काल और यूनिट निकाल, जल्दी करो। अब सूत्र मैंने बता दिया आपको दोनों, 48 और 49 करिए भैया जल्दी से। जल्दी करो, आप के की बीमा निकालिए, कैलकुलेट करने के बाद के का सूत्र निकालो पहले, फिर सारी बीमाएं जमाओ, के की बीमा निकालो और फिर के का मात्रक भी निकालिए भाई। यार गुरुदेव एक थोड़ा सा कष्ट करेंगे का, वो एक खोलने पड़ेंगे माइक भाई। हाँ भाई जल्दी करें, 48 नंबर, 47 कलम कर चुके थे, 48 हमने पढ़ा आज गुरुत्वीय स्थिरांक के बारे में पढ़ लिया पहले तो, और 49 नंबर स्थिर वैद्युत नियतांक के बारे में। आप जल्दी से के का विमान निकालिए और के का मात्रक, फिर आप मैच करेंगे। देखो सही कर रहे थे क्या आप, देखना भाई क्या है ना, क्या होगा आप लोगों ने। सबसे पहले सूत्र निकाल ले, वज गुणा किया तो के Q1 Q2 बराबर F R स्क्वायर आया, यहां से आपने के का सूत्र निकाल लिया F R स्क्वायर बटे Q1 Q2, के का सूत्र ये बन गया,
अब बारी बीमाओं की आई, तो के की बीमा, एफ बल याद है एम वन एल वन टी माइनस टू, आर स्क्वायर वही एल टू। अब ध्यान से देख बेटा, दो आवेश हैं और आवेश की बीमा है ए वन टी वन, याद होना चाहिए। कल के लेक्चर में शुरुआत मैंने आवेश से ही तो करी थी, आई बराबर क्यू अपॉन टी, क्यू बराबर आई टी, तो ए वन टी वन और दो हैं तो क्यों ना ए टू टी टू कर दें। दो तरीके हैं, तो ए वन टी वन दो बार लिख दो या डायरेक्ट ए टू टी टू लिख दो। अब कैलकुलेट कर लो क्या डायमेंशन आएगी, देखना एम वन एल वन और एल टू हो गए बेटा एल थ्री, टी माइनस टू पहले से बैठा हुआ है नीचे से जाएगा तो माइनस दो और आ जाएगा टी माइनस चार और ए माइनस टू, सही है ना। बल्कि M1 L1 T माइनस टू, आर स्क्वायर का L2, दो आवेश हैं तो A2 T2, M1 दिख गया, L1 और 2 3 हो गया, T2 ऊपर गया तो माइनस का 4 हो गया A माइनस टू, ये बीमा आ गई साहब K की। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूं इस सूत्र से देख लो, बल्कि तो न्यूटन, दूरी की मीटर स्क्वायर और कूलाम इंटू कूलाम बेटा कूलाम का स्क्वायर, इसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर था द्रव्यमान की वजह से और इसमें आवेश की वजह से कूलाम का स्क्वायर है। नोट करो जल्दी से, ये अपने दो हो गए कौन कौन से 48 और 49, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। खैर जी की जो वैल्यू है वो दुनिया के हर कोने में एक ही है, माध्यम पर डिपेंड नहीं करती है, और के की वैल्यू बेटा माध्यम पर डिपेंड करती है ना, ठीक है 49 नंबर। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो भैया ना, और या साथ में हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अगला बात करते हैं बेटा 50 नंबर, कॉन्स्टेंटों में एक नाम आता है काफी फेमस है, क्लास 12th में मिलेगा, केमिस्ट्री मिल सकता है आपको 11th में, 47, 48, 49 और 50 नंबर लिखिए आप, प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक एच होता है, प्लांक नियतांक बेटा प्रकाश से संबंधित है। कई घटनाओं में प्रकाश को तरंग माना जाता है, परावर्तन अपवर्तन आपने नाम सुने हैं, व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण आप 12th क्लास में पढ़ोगे, और कई घटनाओं में प्रकाश को कण माना गया है, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ने वाले हो आप फिजिक्स के अंदर, तो ये क्लियर नहीं है कि कण है कि तरंग है, इसलिए प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। तो प्लांक साहब ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बताया कि जो ऊर्जा है प्रकाश की ई वो आवृत्ति के समानुपाती है, और आवृत्ति न्यू याद है ना, प्रकाश के लिए हम न्यू सिंबल काम में लेते हैं, आवृत्ति में दो तीन सिंबल बताए थे मैंने, और जब इस आप प्रोपोर्शनल को हटाते हैं समानुपाती को हटाते हैं तो कांस्टेंट एच काम में आता है। तो आप सूत्र ये याद करें, ई बराबर एच न्यू बेटा, फॉर्मूला याद करना है आपको, ई बराबर एच न्यू, मतलब लिख देता हूं मैं, ई का मतलब है बेटा आपतित प्रकाश की ऊर्जा, आप ऊर्जा लिख लीजिए, न्यू आवृत्ति और एच प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक क्लियर है। तो सबसे पहले तो आप प्लांक नियतांक के लिए फॉर्मूला याद करें, गुरुत्वीय स्थिरांक के लिए याद हो गया ना आपको एफ बराबर जी एम वन एम टू बटे आर स्क्वायर, स्थिर वैद्युत नियतांक याद हो गया एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर, ऐसे ही प्लांक नियतांक अब करके दिखाओ आप, आपको H की बीमा निकालनी है, H की बीमा निकालनी है, H का सूत्र बड़ी आसानी से हर बच्चा निकाल लेगा बेटा, E अपॉन न्यू। अब आप यहां से आगे करके दिखाइए जल्दी से, चलिए करिए, दो मिनट का समय आपको दिया, आप प्लांक नियतांक की बीमा ज्ञात करके दिखाइए, चलो करो, प्लांक नियतांक की बीमा आप ज्ञात करके दिखाएं।
प्लांक नियतांक की बीमा हो गया, एच की बीमा लिखनी है अपने को, ऊपर एनर्जी एम वन एल टू टी माइनस टू, और आवृत्ति याद कर बेटा एक वटे समय था या एक वटे आवर्त काल आवृत्ति, तो एक वटे टी वन ऊपर पहुंचकर टी माइनस वन आवृत्ति की बीमा थी भाई, किसी को याद हो तो टी माइनस वन, और कोणीय वेग की भी टी माइनस वन ही होती है। अब टी माइनस वन को आप ऊपर ले जाओ तो देखो एम वन एल टू टी माइनस वन ऊपर जाकर टी प्लस का वन हो जाएगा बेटा, और प्लस का वन और माइनस का टू, माइनस का वन बचेगा, डायमेंशन बन गए एम वन एल टू टी माइनस वन, एम वन एल टू टी माइनस वन। और अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट ऊर्जा की तो होती है बेटा जूल जे, और आवृत्ति की होती है सेकंड इनवर्स, पढ़ाई थी मैंने आपको एक, एक वटे आवर्तकाल से आवर्तकाल समय है तो एक वटे सेकंड यानी कि सेकंड इनवर्स, और जब ये ऊपर जाएगा तो जूल इंटू सेकंड, प्लस वन हो जाएगा इसकी यूनिट जूल इंटू सेकंड, ये हमारा प्लांक कांस्टेंट हो गया। बड़ी इजी तरीके से आपको याद हो जाएंगे। गुरुत्व नियतांक के लिए आपने सूत्र याद कर लिया, एफ बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, गुरुत्वाकर्षण नियम भी आपको इससे पढ़ाएंगे अपन। स्थिर वैद्युत नियतांक के लिए आपने पढ़ा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और प्लांक कांस्टेंट के लिए ई बराबर एच न्यू, यहाँ से आपने जी की बीमा निकाल ली, यहाँ से आपने के की निकाल ली, और यहाँ से आपने एच की निकाल ली। क्लियर, आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान से देखिए 51 नंबर देखिएगा, इजी था ये, बहुत कोई खास कठिन नहीं है। 51 नंबर देखिए आप, तो गैस कांस्टेंट, आदर्श गैस नियतांक, आदर्श गैस नियतांक, अभी आप केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो जो मैं सूत्र लिखूंगा बेटा। गैस दो तरह की पढ़ेंगे अपन, एक तो आइडियल और एक रियल, एक आदर्श एक वास्तविक, तो समीकरण भी दो तरह के पढ़ेंगे। आदर्श गैस समीकरण को फॉलो करेंगी, और वास्तविक गैसें वैन डर वाल गैस समीकरण को फॉलो करेंगे। अभी होता क्या है वो आप देखिए, आदर्श गैस समीकरण है बेटा, मैं भी समीकरण तो लिख रहा हूँ, पी वी बराबर एन आर टी, क्या फॉर्मूला है याद कर लेना, केमिस्ट्री में आपको 11th क्लास में देखने को मिल जाएगा, फिजिक्स में भी आपको 11th क्लास में ही देखने को मिल जाएगा, पी वी बराबर एन आर टी। पी फोर प्रेशर, गैस का अपना एक दाब होगा भाई, दाब ठीक है, वी आयतन, गैस जो भी आयतन घेरेगी, स्मॉल एन मोल, मोलों की संख्या, मोल पढ़ी ना फंडामेंटल क्वांटिटी आपने, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन मोल है, कैपिटल आर गैस नियतांक जिसकी चर्चा करनी है, और कैपिटल टी रिप्रेजेंट कर रहा है ताप को, करके दिखाओ चलो, दो मिनट का समय है आपके पास में, ठीक है। आदर्श गैस नियतांक पी वी बराबर एन आर टी समीकरण है ना, केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे आपको केमिस्ट्री को, और यहां से आपको कैपिटल आर की डायमेंशन निकालनी है अपने को, तो फॉर्मूला मैंने आज तो बता दिया, अब आपको याद होना चाहिए यहां से आगे, पी वी बराबर एन आर टी का यूज करते हुए आप गैस कॉन्स्टेंट निकालिए, ठीक है, दो मिनट का समय है और सही उत्तर आना चाहिए, प्रयास करना भाई ना।
हाँ भाई, गैस कांस्टेंट के डायमेंशन निकाल लिया आप लोगों ने। देखिए पीवी बराबर एनआरटी आदर्श गैस का समीकरण है, तो यहां से गैस कांस्टेंट चाहिए, मतलब आर का फॉर्मूला निकाल लीजिए आप। तो आर का फॉर्मूला आया होगा पीवी अपॉन एनटी। अब बीमा की बात आई तो सब प्रेशर, प्रेशर डायरेक्ट तो याद नहीं है, पर प्रेशर का फॉर्मूला याद है बेटा, पी बराबर एफ बटा ए। तो पी की जगह आप सूत्र लिख लीजिए एफ बटा ए। ऊपर आयतन पता है मीटर क्यूब, एरिया पता है, अब मोल पता है इसका, और टेम्परेचर का ही पता है, अब सब पता है अपने को। पी वी बराबर एन आर टी आदर्श गैस समीकरण लिखा, जिसकी डायमेंशन निकालनी है उसका फॉर्मूला सेट किया, जो चीज़ नहीं पता थी उनके फॉर्मूले रिप्लेस किए। अब आप गैस कांस्टेंट की मान निकाल लोगे। एक आर रेजिस्टेंस होता है, यहाँ आर गैस नियतांक का ध्यान रखना है ना भैया, बल, तो बल की होती है एम वन एल वन टी माइनस टू। आयतन, आयतन की होती है एल थ्री। क्षेत्रफल की होती है एल टू। एन मोल, और मोल की तो भैया एम ओ एल ही होती है खुद। पदार्थ की मात्रा का मात्रक भी मोल है, बिमा भी मोल है, और ताप का होता है बेटा केल्विन। अब इसको एडजस्ट कर ले, देख कितना बन गया। गैस नियतांक की बिमा एम कितना है वन, एल कितना हो गया तीन और एक चार, ऊपर दो कट गए तो एल रह गया टू। एम वन एल टू टी माइनस टू के माइनस वन और मोल माइनस वन, ये बीमा आती है गैस नियतांक की। क्लियर है ना? और अगर इसकी बात यूनिट की आ जाए, मात्रक की बात आ जाए बेटा, तो लगा ले अब यहां से। कैसे, ऐसा कर, कहां से लिखना स्टार्ट करूं, इसमें लिख दे, ज्यादा बड़ी समझ में आ जाएगी। बल्कि तो न्यूटन, आयतन की बेटा मीटर क्यूब, क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर, एन की मोल, और इसकी बेटा केल्विन। अब देख मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कट जाएगा मीटर वार, और न्यूटन इंटू मीटर, कार्य याद है बलगुणा विस्थापन, जूल होता है, कार्य बलगुणा विस्थापन है, बल का न्यूटन, विस्थापन का मीटर, कार्य का होगा बेटा जूल। तो इसकी बीमा निकल के आएगी जूल बटे मोल इंटू केल्विन, मीन्स जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्या यूनिट आ गई? जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्लियर है? नोट कर लो इसको, चलो आसान है, कठिन नहीं है। आपको है ना ये सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए भैया। ठीक है, नेक्स्ट 52, चार कांस्टेंट पढ़ लिया आज अपन ने, है ना? 52 देखिए, बोल्ट्जमैन नियतांक 52 है, बोल्ट्जमैन नियतांक, सुनना ध्यान से, बोल्ट ऊष्मा गतिकी से संबंधित है ये, है ना? सूत्र याद करें आज तो आप,
वोल्ट्जमैन नियतांक का सूत्र है बेटा ऊष्मा बटे ताप, हीट अपॉन टेम्परेचर। सूत्र याद कर लेना, बोल्ट्जमैन नियतांक का ऊष्मा बटे ताप। तो करिए, सिग्मा इसका सिंबल होता है, सिग्मा हीट, डायमेंशन लिखें इसकी। तो ये तो ऊर्जा एक एम वन एल टू टी माइनस टू और ताप की केल्विन के वन। तो सिग्मा की जो डायमेंशन आएगी एम वन एल टू टी माइनस टू के माइनस वन, इसमें सा कुछ खास है भी नहीं। और यूनिट इसकी जूल पर केल्विन या जूल केल्विन इनवर्स। देखिए 52 एजी है ना, खास कठिन नहीं है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है बेटा, ध्यान से देखना। 53 पढ़ेंगे अपन ऊष्मा वाले चैप्टर में, अपन आपको ऊष्मा संचरण की विधियां पढ़ाएंगे। ऊष्मा का संचरण कितने तरीकों से होता है, तीन तरीके आएंगे बेटा, चालन संवहन और विकिरण। ऊष्मा संचरण की विधियां हैं चालन संवहन और विकिरण। चालन आपने देखा है बेटा, आप केटली में चाय बनाते हो ना, तो केटली पर जब आप गैस लगाते हो तो कुछ देर बाद हैंडल भी गर्म हो जाता है, इस मेथड को बोलते हैं चालन। और चालन में ही एक नाम आता है बेटा, ऊष्मा चालकता गुणांक, इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान से देखना। ऊष्मा चालकता गुणांक कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और अपने को अब के इसकी डायमेंशन पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझिए ध्यान से। ऊष्मा चालकता गुणांक अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है, आप कई अच्छे अच्छे सवाल इसके अंदर देखोगे। तो मैं फिलहाल आपको एक सूत्र लिखा दे रहा हूं, जो आप याद कर लें तो अच्छा रहेगा, है ना। सूत्र क्या है बेटा, डी क्यू अपॉन डी टी, और डी क्यू अपॉन डी टी कहलाता है ऊष्मा प्रवाह की दर। डी क्यू अपॉन डी टी कहलाता है, मैंने बताया ना समय का भाग जाता है तो उसका उच्चारण दर से करते हैं अपन। डी क्यू ऊष्मा कितनी बहके गई उसकी मात्रा, और समय कितना लगा। डी क्यू बटा डी टी ऊष्मा प्रवाह की दर इज इक्वल टू, वैसे तो छोटा परिमाण की बात करो, के ए डी टी बटा डी एक्स। उम्मीद है ये सूत्र आप याद कर लो, फिलहाल याद करो फिर मैं आपको समझाता हूं। डी क्यू बटा डी टी इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। डी क्यू ऊष्मा में परिवर्तन, नीचे बेटा डी टी समय में परिवर्तन, के ऊष्मा चालकता गुणांक है, ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, डी टी ताप में परिवर्तन, और डी एक्स दूरी। देखो दूरी का भाग प्रवणता कहलाता है, समय का भाग दर, ऊष्मा परिवर्तन की दर या प्रवाह की दर, ये ताप प्रवणता है। मैं हर एक चीज का नाम लिख रहा हूं। देखो सूत्र तो याद करना पड़ेगा, अभी नहीं करना पड़ेगा तो जब मैं आपको ऊष्मा संचरण की विधि पढ़ाऊंगा चालन, वहां जाकर याद करना पड़ेगा। तो आज अपन इससे बीमा निकालेंगे, अभी फिलहाल सूत्र याद ना हो तो कोई टेंशन नहीं है, पर सलाह है कि आप सूत्र याद कर लेना बेटा। डी क्यू ऊष्मा, अभी फिलहाल तो मैं ऊष्मा ही से काम चला रहा हूं, ऊष्मा लिख दो आप इसको। डी टी समय, जिसमें ऊष्मा प्रभावी होगी कोई ना कोई समय लगा होगा। के जो अपन को पढ़ना है बेटा, ऊष्मा चालकता गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ना, कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ही मान लीजिए, डी टी ताप और डी एक्स दूरी, ऐसे मानिए आप इन टर्मों को, आप बीमा के हिसाब से। और बेटा जल्दी कर के की डायमेंशन निकाल, 2 मिनट दिए तेरे को इस चीज के लिए।
फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, डी क्यू बटा डी टी बराबर के ए डी टी अपॉन डी एक्स। कहाँ से आया, एक्चुअल मतलब क्या है इन शब्दों के, पढ़ेंगे अपन सब कुछ, है ना। पर फिलहाल डायमेंशन पर फोकस करो, निकालिए जल्दी। चलिए ऊष्मा चालकता गुणांक के डायमेंशन निकालिए आप तो। खूब खतरनाक सूत्र है, देख के डर लग जाए बच्चे को, थोड़ा संभल के रहिएगा। डी क्यू अपॉन डी टी बराबर के ए डी टी अपॉन डी एक्स, याद करा दूंगा मैं धीरे धीरे। और यहां से के की बीमा निकाल, जल्दी कर करो आराम से, प्रयास हर एक बच्चे को करना है भाई। हाँ भाई, किया आप लोगों ने, के बीमा निकाली, देखें, देखो सबसे पहला टारगेट है के का सूत्र निकालना। तो के का सूत्र कैसे निकलेगा देखना, के बराबर मैं डायरेक्ट सूत्र लिख रहा हूं, आप समझ जाना बेटा। इस पक्ष में क्या है पहले वो लिख लो आप, तो डी क्यू बटा डी टी, ठीक है, के रखना है तो ए इधर आएगा, तो ए नीचे तो आएगा इनटू में ए यानी कि क्षेत्रफल, और ये इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, मतलब डी टी नीचे और डी एक्स ऊपर, तो इनटू में डी एक्स और नीचे डी टी। थोड़ा हिंदी में लिखें इसको अपन, ऊष्मा चालकता गुणांक इज इक्वल टू डी क्यू, मतलब बेटा ऊष्मा, इन टू डी एक्स मतलब दूरी, बटे डी टी समय, कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट, और डी टी यानी कि ताप। इतना लंबा सूत्र मुझे तो नहीं लगता कि आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, इसलिए याद तो ऊपर वाला करना है, ये वाला डी क्यू अपॉन डी टी बराबर के ए डी टी अपॉन डी एक्स। बेमा जवा लीजिए आप, ऊष्मा चालकता गुणांक यानी कि कैपिटल के इज इक्वल, ऊष्मा मतलब एम वन एल टू टी माइनस टू, ऊष्मा मतलब कार्य, ऊष्मा मतलब ऊर्जा मतलब कार्य, दूरी की बेटा ऊपर L1, नीचे समय का T1, अनुप्रस्थ काट एक क्षेत्रफल होगा बेटा, तो लंबा L2, और ताप का केल्विन। देख L2 से L2 मर गया तो लिख बच के आ गया, M1 बचा
एल भी वन बचा, एम वन एल वन, टी ऊपर गया माइनस वन माइनस टू पहले से है तो टी माइनस थ्री बचा बेटा, और के ऊपर गया तो के माइनस वन बचा। डायमेंशन लिखो आराम से आप, खूब लंबी चौड़ी डायमेंशन है, लंबा चौड़ा सूत्र है, एम वन एल वन टी माइनस थ्री के माइनस वन, नोट करो, एम वन एल वन टी माइनस थ्री के माइनस वन, नोट कर लीजिए, 53। ठीक है, अभी थोड़ा समय बचा हुआ है, अपन दो चार कॉन्स्टेंट और लिख सकते हैं। एक और कॉन्स्टेंट देखो, इसका ही अच्छा सा कॉन्स्टेंट है, वो भी ऊष्मा से ही संबंधित कॉन्स्टेंट है सब, 54। स्टीफन नियतांक 54 और लिखे बेटा, स्टीफन नियतांक, आप दो तीन नियम पढ़ोगे न्यूटन का, कूलिंग लॉ वगैरह है ना, उसमें आ जाएंगे। स्टीफन नियतांक का सूत्र सुनना, सिग्मा पहले हिंदी में, स्टीफन नियतांक बराबर ऊष्मा बटे क्षेत्रफल गुणा समय गुणा ताप की पावर 4। नोट करो, सूत्र लिख के डायमेंशन बना जल्दी से, सूत्र लिख दिया है डायमेंशन बनाइए आप इसकी, स्टीफन नियतांक की विमा बनाइए आप। ऊष्मा लिख दो, ऊर्जा लिख दो, बटे क्षेत्रफल गुणा समय ताप की पावर 4, जल्दी बनाओ। स्टीफन नियतांक की विमा ये जी है, ऊष्मा एम वन एल टू टी माइनस टू, क्षेत्रफल एल टू समय टी वन ताप केल्विन, 4 ताप हैं तो केल्विन की पावर 4। स्टीफन नियतांक देख ध्यान से, एम वन एल नहीं बचा तो एल जीरो, टी माइनस थ्री के माइनस फोर, ये इसकी यूनिट डायमेंशन। मैं यूनिट की बात करूं तो ऊष्मा की तो जूल, क्षेत्रफल ऊपर गया तो मीटर की पावर माइनस टू, समय ऊपर गया तो सेकंड इनवर्स, ताप ऊपर गया तो केल्विन की पावर माइनस 4 बन सकती है ऐसी, नोट करो उसको, 54। ठीक है, आज लास्ट पढ़ रहे हैं अपन बीमा, कल से बीमाओं के अनुप्रयोग स्टार्ट कर देंगे भाई, एप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे डायमेंशंस के ना। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ जल्दी से, आप इसका 54 हो गई, दो एक फिजिकल क्वांटिटी और देख लेते हैं लास्ट इनको, चलो 55 तो क्रॉस कराए दें। ठीक है, दो और देख लो, दो एक चुंबकीय राशियां और देख लो, अभी है टाइम, कांस्टेंट तो ऑलमोस्ट इतनी ही है शायद, और देखो जितने भी सूत्र याद हो आप कोई भी निकाल सकते हो भाई, बुक में उठाना बुक है ना, उस लिस्ट में से सूत्र किताब में से देख लेना और डायमेंशन आप निकाल के देखना। 55, एक चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं बेटा, बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो विद्युत क्षेत्र होता है
जिसको आप कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हो, सूत्र था एफ वटा क्यू, कल पढ़ाया। एक्चुअल में एक सूत्र चुंबकीय बल का होता है, एफ बराबर क्या बेटा, आई एल वी साइन थीटा, ये याद करना। चुंबकीय बल का सूत्र है बेटा क्या, एफ बराबर आई एल वी साइन थीटा। तो यहां से आप चुंबकीय क्षेत्र निकाल लीजिए, बी निकाल लीजिए आप, तो बी का सूत्र बन जाएगा बेटा चुंबकीय बल बटे आई एल साइन थीटा। सारी डायमेंशन आप निकाल लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की डायमेंशन इज इक्वल टू ऊपर बल, तो बल तो एम वन एल वन टी माइनस टू है, धारा की ए वन, लंबाई की एल वन, और साइन थीटा तो आपको पता है त्रिकोणमितीय अनुपात विमाहीन राशि है, क्योंकि साइन का सूत्र आएगा लंब बटे कर्ण, ऊपर एल वन नीचे एल वन कट जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लो। तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र की जो विमा आई है एम वन एल नहीं बचा बेटा, टी माइनस टू और ए माइनस वन, चुंबकीय क्षेत्र का विमा ये है। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात कर लूं, तो अगर सूत्र को देख रहा होगा, सूत्र से यूनिट अगर निकाल रहा होगा, तो बल की तो न्यूटन, करंट की एम्पियर और लंबाई की मीटर, एक तो बन गई होगी न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर, और जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है बेटा वो होती है टेस्ला, टेस्ला कैपिटल टी। एक और कर ले बोले सीजीएस में गाउस भी होती है एक यूनिट इसकी, कैपिटल जी, करिए ध्यान से। चुंबकीय बल का सूत्र था, पढ़ा चुंबकीय क्षेत्र है, पर सूत्र आप चुंबकीय बल का याद करेंगे एफ बराबर आई एल वी साइन थीटा, और यहां से बी कैलकुलेट करेंगे आप एफ वटे आई एल साइन थीटा, एफ फॉर फोर्स, एम वन एल वन टी माइनस टू, करंट नीचे एम्पियर, लंबाई का एल वन, साइन थीटा की कोई डायमेंशन है नहीं है, घुमा फरा करके चुंबकीय क्षेत्र की आपने विमा निकाल दी बेटा न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर, या टेस्ला इसकी यूनिट। एक और पढ़ ले चल 56, जब इतना ही पढ़ा है तो। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई बी, याद आया कुछ, विद्युत फ्लक्स क्या था फाई ई, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी, और विद्युत का याद है तो चुंबक का ऑटोमेटिक याद हो गया बेटा। उसका सूत्र था ई ए कॉस थीटा, इसका सूत्र है बेटा बी ए कॉस थीटा, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र है बेटा बी ए कॉस थीटा, अब कर लो इसको आराम से, चुंबकीय फ्लक्स। अब देख ध्यान से, बी का नहीं पता लेकिन बी का सूत्र पता है, एफ बटे आई एल बहुत है ना, साइन थीटा की जरूरत यू ना है ना, कि बीमा तो होती ही नहीं है तो क्या फायदा है बीमा जमाने से, क्षेत्रफल की ए जमा दे, कॉस की भी बीमा नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है, इस सूत्र से अपन बीमा निकाल लेंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स बल की तो एम वन एल वन टी माइनस टू, क्षेत्रफल की सॉरी एल टू, करंट की एम्पियर और लंबाई की एल वन कट गया, और चुंबकीय फ्लक्स की बीमा क्या बन गई वो लिख दो आप, एम वन एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन। तो इस तरीके से अपन जो चाहे अपन बीमा कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट अपन ने 56 डायमेंशंस पढ़ ली बच्चों, डायमेंशन आपकी बुक में भी बहुत हैं, आप बुक खोलें और एक एक फिजिकल क्वांटिटी देखते जाएं, बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिन्हें आप ढंग से अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते आज के दिन तो कम से कम, क्योंकि अभी अपन ने फिजिक्स कहाँ पढ़ी है, अपन तो सिर्फ नाम सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो बीमा अपन इतनी ही पढ़ेंगे 56, और कल से अपन बीमाओं के एप्लीकेशन देखेंगे कि बीमाओं पर सवाल किस किस तरीके के आ सकते हैं और उन्हें अपन सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो लगातार नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को बनाए रखें, अब तक आपने जितनी बीमाएँ पढ़ी हैं उन सब के एप्लीकेशन अपन कल से स्टार्ट करेंगे। तो जुड़ने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।
नोट कर लीजिए बेटा इसको, पूरा नोट कर लें।